देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें 7,987 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। इसके अलावा 416 वोट अमान्य हो गए। आंकड़ों को देख करके साफ है कि खड़गे ने शशि थरूर को 8 गुना ज्यादा वोटों से मात दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के जीतने के साथ ही पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। इस बीच कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी देते हुए बताया, 416 वोट अमान्य घोषित क्यों किए गए। दरअसल खड़गे या थरूर में से किसी एक नेता को चुनने आए इन 416 लोगों को पता ही नहीं था कि वोट करना कैसे है। और यह हाल तब है जब वोटिंग से पहले ही वोटिंग की प्रक्रिया चुनाव प्राधिकरण ने साफ साफ बता दी थी। इनमें से वोट देने वाले कई लोग इतने महान थे कि वो शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय राहुल गांधी का नाम लिख करके आए। मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 416 वोट रिजेक्ट हुए, उसमें से कुछ ने नंबर लिखा तो किसी ने दस्तखत किए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी का नाम लिख दिया, इसी वजह से इन वोटों को रिजेक्ट करना पड़ा। इसी के साथ मधुसूदन मिस्त्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचित घोषित किया। उन्होंने बताया कि खड़गे को 7,897 वोट मिले तथा थरूर को 1,072 वोट हासिल हुए। मिस्त्री ने बताया कि चुनाव में 9,385 वोट पड़े थे और इनमें से 416 वोट अवैध करार दिए गए। वहीं थरूर ने चुनाव नतीजे की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली और खड़गे को बधाई दी। थरूर ने एक बयान में कहा कि अंतिम फैसला खड़गे के पक्ष में रहा, कांग्रेस चुनाव में उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। उनका यह भी कहना था कि सर्वाधिक संकटपूर्ण स्थितियों में पार्टी का संबल बने रहने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए सभी निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऋणी हैं। थरूर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी का धन्यवाद करता हूं। थरूर के प्रस्तावक रहे सांसद कार्ति चिदम्बरम ने खड़गे को बधाई दी और कहा कि शशि थरूर को 1,072 वैध मत मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 9,385 डेलीगेट ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान किया था। हालांकि इस मतदान का परिणाम अब सामने आ चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं और अब कांग्रेस का नेतृत्व खड़गे ही करेंगे, क्योंकि खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हमारा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे। ऐसे में भले ही लंबे समय से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने खुद को इस चुनाव से दूर ही रखा है। वहीं राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के अरोनी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष ही सर्वोच्च होता है, जो भी निर्वाचित होगा वो भविष्य की कार्रवाई तय करेगा। साथ ही ये भी कहा कि अध्यक्ष ही मेरी भूमिका भी तय करेंगे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर की ओर से चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जिसके अंदर चुनाव आयोग है और जिसके मुखिया TN शेषन प्रकार के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, मैंने मिस्त्री जी के साथ काम किया है, वो सीधी बात करने वाले व्यक्ति हैं। जो कुछ भी मुद्दे सामने आते हैं वो चुनाव आयोग के सामने रखे जाएंगे और उस पर चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा कि चुनावों में धांधली हुई है या नहीं। अब कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप भले ही चल रहे हों, लेकिन चुनाव तो संपन्न हो ही गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।